गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि कल हमने आपको ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 बताया था, आज हम एक्सरसाइज 7.2 बताएंगे। 7.2 का पहली प्रॉब्लम इन एन आइसोस्कलिस ट्रायंगल एबीसी विद ईबी इज इक्वल टू एसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ, शो डेट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सेकेंड ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। देखिए ये आपका फिगर है, ए बी सी एक आइसोस्कलिस ट्रायंगल है, इसमें ए बी ए सी के इक्वल है। ओ ए ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है, यानी हाफ पार्ट एंगल का इक्वल हो गया है। आपको प्रूव करना है कि ओ बी ओ सी के इक्वल है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या है, आइसोस्कलिस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है तो ए बी ए सी के इक्वल है। अच्छा, अब अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। और एंगल बी एंगल सी के अगर इक्वल होगा तो हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी के इक्वल होगा, और हाफ एंगल बी को हम ओ बी सी कह सकते हैं, हाफ एंगल सी को एंगल ओ सी बी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी। तो आप फिर देखेंगे कि जब एंगल ओ बी सी ओ सी बी के इक्वल होगा तो उसकी अपोजिट साइड ओ बी ओ सी के इक्वल होगी, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सेकंड पार्ट में देखेंगे इन ट्रायंगल एबीओ एंड ट्रायंगल एसीओ, एबी एसी के इक्वल है, गिवन है आइसोस्कलिस होने की वजह से, एंगल ओबीसी एंगल ओसीबी के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट पे ये प्रूव हुआ है, और एंगल एबीओ एंगल एसीओ के इक्वल है ओए बाइसेक्ट एंगल, एंगल एबीओ एबीओ एंगल एसीओ के इक्वल है, ठीक है। और ये जो है ओ बी ओ सी के इक्वल है, अब प्रूफ बताया गया है। सो ट्रायंगल ए बी ए बी ओ इज इक्वल टू एंड कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। तो अब अगर ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाई सी पी सी टी, और जब बी ए ओ सी ए ओ के इक्वल होगा तो ओ ए बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। यहां से फिर से एक बार देख ले सेकंड में कि हमें प्रूव ये करना है, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ओ ए एंगल ए को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, इसको प्रूव करना है। तो पहले क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल ए बी ओ ए सी ओ की कांग्रुएंसी प्रूव कर लेंगे। कैसे, ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, एंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी के इक्वल फर्स्ट है, एंगल ए बी ओ एंगल ए सी ओ के इक्वल है क्योंकि ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी और ओ सी बाइसेक्ट एंगल सी, तो इस वजह से ये एंगल इक्वल हो गया, ओ बी ओ सी के इक्वल है, अब प्रूव हो गया। सो ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंड कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ, ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। अब जब ट्रायंगल कांग्रुएंट तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाई सी पी सी टी, और जब बी ए ओ सी ओ ए सी ए ओ के इक्वल होगा तो ओ ए बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, यानी ओ ए ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, शो डेट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्कलिस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, हमें प्रूव करना है कि आइसोस्कलिस ट्रायंगल है, यानी ए बी ए सी के इक्वल है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, डी बी डी सी के इक्वल गिवेन है क्योंकि ए डी ने बी बी सी को बाइसेक्ट किया है, और जब लाइन एक लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो हाफ पार्ट इक्वल होता है। एंगल ए डी बी एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री, ए डी ए डी कॉमन साइड, सो ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, और जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइडें इक्वल होती हैं, ए बी ए सी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी, हेंस ए बी सी इज एन आइसोस्कलिस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोस्कलिस ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, शो डेट दीज अल्टीट्यूड आर इक्वल। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल है,
पीई और सीएफ इसके अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड 90 पे ड्रान होता है। एबी और एसी को इक्वल बताया गया है, आपको प्रूव करना है कि बीई सीएफ के इक्वल है। इन ट्रेंगल एबी एंड ट्रेंगल एसीएफ दोनों की कांग्रुएंसी प्रूव करेंगे। एंगल एबी इज इक्वल टू एंगल एएफसी एच 90 डिग्री, एंगल ए कॉमन एंगल, इसे आप कॉमन एंगल लिख सकते हैं, कॉमन एंगल। अच्छा एबी कॉमन एंगल हो गया, उसके बाद फिर जो है ए बी ए सी के इक्वल बताया गया, गिवेन ये चीज दी हुई है कि इक्वल साइड पे अल्टीट्यूड ड्रान है। सो ट्रेंगल ए बी ए इज इक्वल टू एंड कांग्रेंट ट्रेंगल ए सी एफ, ट्रेंगल कांग्रेंट हो गया। और जब ट्रेंगल कांग्रेंट होता है तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइडें इक्वल होती है, बी ई सी एफ के इक्वल होगा, रीजन सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे कि ABC इज ए ट्रेंगल इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल, शो दैट ट्रेंगल ABE इज इक्वल टू एंड कांग्रेंट ट्रेंगल ACF AB इज इक्वल टू AC, यानी ABC इज एन एसेसकल ट्रेंगल। कह रहा है एक ट्रेंगल ABC है, इसके अल्टीट्यूड इक्वल BE CF के इक्वल है, आपको दो ट्रेंगल की कांग्रेंसी AB इज इक्वल टू एंड कांग्रेंट ट्रेंगल ACF और ए बी ए सी के इक्वल लिखाना। देखिए इन ट्रेंगल ए बी एंड ट्रेंगल ए सी एफ इनकी कांग्रेंसी हम प्रूव करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए एफ सी, एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी ईच 90 डिग्री, एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ कॉमन एंगल, एंगल ए दोनों में ट्रेंगल में कॉमन, और बी इज इक्वल टू सी एफ अल्टीट्यूड्स आर इक्वल गिवेन। So triangle ABE is equal to congruent triangle ACF by ASA angle side angle, दो angle equal एक side, और जब triangle congruent होता तो उसकी corresponding side equal होती है, ABAC के equal होगा CBCT से, और जब किसी triangle की दो side equal होती है तो triangle isosceles होता है। So triangle ABC is an isosceles triangle, that's all।